फेरी कुत्ता मार पड़ जा रहा रोया हो तेरी भाए कहानी बन गई। और मैं काला तू गोरी थी मेरी ठोकर राहड़ी बनेगी। मेरे कुत्ता मार बड़ी चारा रोया तेरी पाए कहानी बनेगी। मैं काला तू गोरी थी मेरी ठोकर राहड़ी बनेगी। हो मैं काला अंजना को कैसे खरी खोटी सुनाता है क्या बताएं? थोड़ी गूंज डाल दो भाई माइक में। सारे खून मेरे में काटे सारे खून मेरे में काटे फिर भी सुथरे छेल अमीर छोड़ के पवन आण के वर्यातने जिंदगी भर ना भूलू का मेरी छाती में कहा कर आतने मेरे नाम पे बोली मारी के कत्ती समझ लिया मर्यादने तेरे बोल के कारण आज है तेरे बोल के कारण आज तुम कहानी पड़ी। मैं काला तू गोरी थी मेरी ठोकर राहड़ी बनेगी। हो मैं काला तू गोरी थी मेरी ठोकर की करती ताल कती जे थी पैच परण की पूरी रंग रूप का कमंड करया सुन अकल की कमसूरी। तेरे लेखे दुनिया काली तू पड़गी सब जोड़ी कावर नहीं मिला तन जोड़ी कावर नहीं मिला तुरी किसी से ठाणी पड़ी। मैं काला तू गोरी थी मेरी ठोकर राहड़ी बनेगी। मैं काला तू गोरी थी मेरी ठोकर राहड़ी बनेगी।
केरे रानी अंजना कया करें के गोली का घाव भर जाया करम अगर बोली का घाव नहीं भरया करता। और मेरे साथ भी कुछ ईसाई हुआ है और बोली का घाव ईसा हुआ महाभारत जैसी रचना रच दिए कर। क्या कारण था महाभारत होने का? एक छोटा सा बोल मारा था द्रौपदी ने, उसी के ऊपर पूरी महाभारत रच दी गई। कैसे? तेरा धड़ ते शीस काट दू, धड़ ते शीस काट दू, मेरा ऐसी आव है मन में तेरी बोली का तीर निकल गया आर पार मेरे तन में। उस द्रौपदी ने भी मारी थी बोली पापी दुर्योधन में। 13 बरस तक पांचों पांडव फिरे भटकते वन में। उन्हें बोली कायो मिल्या नतीजा, उन्हें बोली कायो मिल्या नतीजा, वा तक्के खानी पड़ी। काला तू बोली थी मेरी तो कर रानी बड़ी, ओ काला तू बोली थी मेरी तो कर का शिकार हो जाता है पवन भूप। और सजनों, बिना किसी गलती के रानी अंजना को क्या सजा सुनाता है? कैसे? केरी पवन भूप का हुक्म आज ते, पवन भूप का हुक्म आज ते, रहेगी महल दुहागने धोला घोड़ा बाणा बांस हाथ में उड़ा काग और here